सो हेलो एवरी वन वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑरिजिन एरिया प्रोडक्शन वेराइटीज़ एंड पैकेज प्रैक्टिस फॉर दी कुकुर बिटेसिस वेजिटेबल्स अब कुकुरबिटेसिस वेजिटेबल्स क्या हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कह सकते हैं जिसको आपने फैमिली एक पढ़ा होगा ना कुकुर बिटेसी फैमिली ठीक है उसके अंदर में जो क्रॉप्स आते हैं अब जैसे कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं कुकरबिटेसिस फैमिली में जैसे आपने खीरा सुना हुआ है ठीक है आपने खीरा के बारे में पढ़ा होगा या फिर जो भी गाउड्स हम पढ़ते हैं जैसे बिटर गाउड हो गया एस गाउड हो गया जिसको आप गॉड भी कहते हो जी ओ यू आर डी ठीक है सब आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन का कर सकते हो या फिर वाटर मेलन हो गया मस्क मेलन हो गया ठीक है अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो लौकी कहते हैं तोरी कहते हैं झिंगनी कहते हैं परवल ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो आते हैं अपने कुकरबिटेसियस वेजिटेबल्स के अंदर में सो so बेसिकली हम इनको एज अ कॉमन कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सो so, सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया है दैट इज़ द क्रॉप बिलोंगिंग टू द फैमिली कुकुरबिटेसी आर जनरली नोन एज कुकुरबिट्स ठीक है मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली में जो भी क्रॉप्स uh, आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं कुकुरबिट्स ठीक है इनमें बहुत सारे वेजिटेबल्स आते हैं जो कि मेनली इनका पर्पज़ क्या होता है एज ए सलाद या फिर जिसको आप सैलड कहते हो तो हम जैसे हम, हम क्या सैलड में क्या क्या यूज़ करते हैं जैसे हम खीरा यूज़ करते हैं ककड़ी यूज़ करते हैं ठीक है आप अपने लैंग्वेज में या फिर कह सकते हैं कि आप अपने रीजन के हिसाब से इन वेजिटेबल्स को दूसरे नाम से भी जानते हो मैं आपको सारे वेजिटेबल्स के आपको इस वीडियो के एंड पे एक ओ, इमेजेस दिखा दूंगा यानी सारे वेजिटेबल का इमेजेस को भी ऐड कर दूंगा ताकि आप इसको इजीली फिर पहचान पाओगे कौन सा वेजिटेबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं या फिर मैं जो भी इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या फिर इंग्लिश में जो बोल रहा हूँ जिस वेजिटेबल के बारे में आप उसको पहचान पाओ ठीक है तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि फैमिली में जो भी वेजिटेबल्स हैं या फिर क्रॉप्स हैं उनको मैं सलाड पर यूज करते हैं और हम कुकिंग पर्पज यानी वेजिटेबल के फॉर्म में भी इनको यूज करते हैं और इन वेजिटेबल्स से या फिर कह सकते हैं इन क्रॉप से हम पिकल्स यानी अचार भी बनाते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें तो एज अ ग्रुप अगर बात करें कुकर बिड्स जो है ना इंडिया में बहुत बड़े एरिया पे मतलब इन कुकुर बिट जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम मतलब एरिया वाइज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एरिया है इंडिया ठीक है यानी अगर हम बात करें ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इनको लगाया जाता है ठीक है और बेसिकली इनको हम जब लगाते हैं दैट इज़ स्पेशल सीजन दैट इज़ कॉल्ड जैद क्रॉप ठीक है मतलब इनको हम जैद सीज़न में लगाते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कुकु बिट्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ़ क्रॉप्स हैं सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप जो कि इंडिया में यह कह सकते हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट एरिया अगर एरिया वाइज बात करें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया जो है इन्हीं टाइप के क्रॉप्स को कल्टिवेट करने में जाता है ठीक है अब जो कुकर विडेस वेजिटेबल्स या फिर क्रॉप्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिनरल्स और विटामिन तो नहीं पाए जाते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट भी कम होता है लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं इनके जो कि एक्सेप्शन हैं इनके जैसे अगर हम बात करें बीटर गॉड जिनको आप करेला कहते हो दैट इज रिच इन विटामिन सी अगर हम बात करें हंड्रेड ग्राम उड में 96 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट होता है उसी तरीके से परवल हो गया चाओ चाव हो गया ठीक है इनमें कैल्शियम 531 मिलीग्राम होता है ठीक है 140 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम ऑफ दी वेजिटेबल रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि अगर आप सौ ग्राम अगर आप वेजिटेबल खा रहे हो जैसे परवल तो आपको फाइव मिलीग्राम ऑफ दी कैल्शियम है वो मिलेगा तो कुछ एक्सेप्शंस हैं कुगरबिडेसिस फैमिली में जो कि दे आर दी रिच सोर्स ऑफ सम विटामिन एंड लाइक न्यूट्रंस लाइक कैल्शियम ठीक है अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ बीट्स, बीट्स के जो सीड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट uh, हो जाते हैं क्योंकि उनमें हाई कॉन्टेंट ऑफ ऑयल होता है प्रोटीन कॉन्टेंट भी उनमें ज्यादा होता है ठीक है सीड प्रोटीन्स ऑफ द कुकर बीट्स आर कंपेरेबल टू डाइट ऑफ द लेग यूम्स एंड आर रिचर इन द मेथ्यून अब मेथियोनीन क्या है मेथियोनीन अगर हम बात करें इट इज़ एन एमिनो एसिड ठीक है तो सीड जो है इन कुकुरसिस फैमिली या फिर इन मेम्बर्स के उनमें अच्छा अमाउंट ऑफ ऑल प्रेजेंट होता है और उनमें अगर हम बात करें प्रोटीन तो मेथियोनीन जो एमिनो एसिड है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट इज द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली इज डिफरेंटली अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट बॉटनिस्ट ने अपने हिसाब से इन फैमिली को बांटा हुआ है लेकिन बात करें फैमिली कुकुरबिटेसी कंप्राइजेज अबाउट वन हंड्रेड सेवनटीन जेनरा एंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पीसीज इन दी वार्मर पार्टस कहने का मतलब है कुकर बिटेसी फैमिली में देखो क्या होता है फैमिली ऑर्डर क्लास ठीक है जीनस पीसीज तो फैमिली के बाद क्या आता है ऑर्डर फिर जीनस आता है ठीक है तो इनके अंदर में टोटल 170 जीन, जीनस हैं जीनस के साथ में इन्होंने बोला है जेनरा यानी टोटल वन जेनरा एंड 825 स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट है कुकुरबिटेसिस फैमिली में इसके बारे में अगर हम बात करें तो चक्रवर्ती एक हमारे बॉटनिस्ट हुआ करते थे उन्होंने नाइनटीन में बताया उस ट उस समय का एस्टिमेशन बताया कि प्रॉप्स इतने जेनरा और स्पीसीज में 36 जेनरा और 100 स्पीसीज जो हैं अकेले इंडिया में प्रेजेंट है कुकुरबिटेसिस क्रॉप्स के ठीक है अगर हम जनरल फीचर बात करें कुगुरडेसिस वेजिटेबल के बारे में तो इनके पास होता है लॉन्ग टैप रूट सिस्टम अब टैप रूट सिस्टम कैसे होता है आप इमेजिन करो एक गाजर ठीक है गाजर को जब आप इमेजिन करते हो तो वो इट इज़ अ अंडरग्राउंड वेजिटेबल कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्यूबर या फिर कह सकते हैं कि इट इज़ अ मॉडिफाइड रूट ठीक है तो उसमें क्या होता है आप देखते हो कि गाजर जो होता है एक लंबे के तरीके से नीचे की तरफ ग्रो करता है तो टैप रूट अगर आप देखोगे तो टैप रूट में एक जो होता है मेन uh, एक सेंट्रल रूट जाता है जो कि नीचे दैट इज़ द मेन रूट और उसमें लेटरल रूट्स बहुत कम निकलते हैं लेटरल रूट्स होते भी नहीं है उनमें छोटे छोटे सिर्फ हेयर्स लगे होते हैं तो टैप रूट जो है वो 175 से लेके 180 सेंटीमीटर डेफ्थ तक ग्रो कर जाता है लेटरल अगर हम बात करें लेटरल जो छोटे छोटे जो रूट uh, हेयर्स जो निकले या फिर कह सकते हैं कि लेटरल uh, जो रूट्स हैं क्योंकि इनमें तो टैप रूट सिस्टम है तो फाइब्रस जैसा तो नहीं होगा एक्सटेंशन लेकिन टैप रूट सिस्टम जो है सेंटीमीटर तक लेटरल जो रूट्स निकलते हैं वो जाते हैं लेकिन टैप रूट जो है यानी जो मेन जो रूट है वो जाता है वन सेवेंटी फाइव टू लेके वन हंड्रेड एट्टी सेंटीमीटर्स तक ठीक बॉटल गॉड गॉड एंड आर लार्जली यूटिलाइज इन द रिवर बेड कल्टिवेशन अब जैसे बॉटल गॉड किसको कहते हैं बॉटल गॉड जैसे आप लॉकी हो गया ठीक है हिंदी में बॉटल गॉड को लाइक लॉकी कहते हैं एश गॉड जैसे आपने देखा होगा ना जिसे पेठा बनाते हैं वाइट पंपकिन उसको हम लोग कहते हैं एश गॉड परवल तो आप जानते हैं पॉइंटेड गॉड को कहा जाता है ठीक है तो इनको हम रिवर बेड कल्टिवेशन में यूज करते हैं ठीक है सेकेंड इज दी ब्रांच स्टेम मतलब इनके स्टेम में बहुत सारी ब्रांचिंग होती है स्टेम इज थ्री टू एट ब्रांच एंड प्रोस्टेड या फिर क्लाइंबिंग भी हो सकता है और स्प्रेड करता है नाइन टू टेन मीटर्स इन कुकुरबिटा एंड लेजिनेरिया क्रॉप्स क्रॉप्स लाइक कुकुरबिटा पेपो हैव एंड है ठीक है नोट्स आर यूज रूट बाई टी जो भी नोट टच करता है जमीन को यानी को वहां पे से क्या लग होने लग जाता है रूट का डेवलपमेंट होने लग जाता है लीव्स के बारे में बात करें तो लीव्स जो होते हैं सिंपल होते हैं मोस्टली तीन से पांच लोब्ड होते हैं इनमें पामेटली कंपाउंड लीव होता है एंड रेयरली पिनेटली लोब्ड ठीक है पामेटली और पिनेटली आप जो बेसिक डिफरेंस आप जानते होंगे जैसे सिंगल लीफ इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ जो होता है जैसे आपने कभी देखा होगा पपीता का पत्ता उस तरीके के लीव्स को हम कह सकते हैं पामेटली कंपाउंड लेव जिनमें लीफलेट्स प्रेजेंट वगैरह होते हैं वही पामेटली कंपाउंड पिनेटली कंपाउंड कंपाउंड लिप्स कहने का मतलब है कि पामेटली एंड पिनेटली कंपाउंड आपको मैं अगर बना के दिखाऊं तो देखो जैसे आपने हाँ मैं आपको समझा सकता हूँ जैसे आप नीम का पत्ता आपने देखा होगा तो एक मिड रिप होता है उनमें बहुत सारे लिफलेट्स होते हैं ठीक है और एक होता है मिड्रिप तो एक ही होता है लेकिन उनमें जो ब्लेड्स होते हैं लीव ब्लेड होते हैं वो कटे हुए होते हैं ठीक है लेकिन वो मिड्रिप को टच नहीं करते हैं जैसे अगर हम बात करें जैसे आपने देखा होगा मैं अगर बात करूं तो आपने हाँ एग्जाम्पल में पपाया के लीब्स को भी ले सकते हैं तो वो आ जाते हैं इनमें कंपाउंड लिप्स यानी इनमें कंपाउंड लीप्स प्रेजेंट होता है चाहे वो पामेटली कंपाउंड हो या फिर पिनेटली कंपाउंड लीप्स हो ठीक है टेंड्रल्स प्रेजेंट होते हैं टेंडल्स ऑन एक्साइल्स ऑफ द लीब्स आर सिंपल इन कुकोमिस ठीक है कुकर बेड्स आर हाईली क्रॉस पॉलीनेटेड मतलब इनमें क्रॉस पॉलीनेशन ज़्यादा होता है पॉलीनेशन इज डन बाई हनी बीज एंड बम्बल बीज ठीक है अगर बात करें तो फ्लावर्स आर बॉर्न इन एग्जाइल्स ऑफ द लीव्स एंड आर सॉलिट्री और इन रेसीमोज क्लस्टर या तो फ्लावर्स अलग अलग होंगे सिंगल सिंगल सॉलिट्री या फिर क्लस्टर में होंगे यानी फ्लावर्स अरेंज होंगे रेसीमोज अरेंजमेंट में इंडिविजुअल फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल लार्ज एंड सोई अगर इंडिविजुअल फ्लावर्स अगर अलग अलग हैं तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे बड़े होंगे और सोई होंगे अगर ग्रुप में है क्लस्टर में है तो छोटे छोटे भी होंगे ठीक है फ्रूट्स आर एसेंशियली एंड इन्फीरियर बेरी अब ध्यान से समझना है कि फ्रूट्स को अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ बेरी ठीक है मतलब इनके फ्रूट टाइप को अगर हम बोलेंगे दैट इज़ अ बेरी ठीक है और इनके अगर स्पेशली हम फ्रूट को कहते हैं पेप ठीक है ड्यू टू हार्ड रिंड वेन मेच्योर फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एज इन एश गॉड ठीक है पंपकिन ऑरियंटल पिकलिंग मेलॉन इटीसी कहने का मतलब है कि इनके फ्रूट को हम लॉन्ग पीरियड तक स्टोर कर सकते हैं जैसे एश गॉड मतलब क्या हुआ आपको थोड़ा देर पहले बताया जैसे पेठा बनाते हैं यानी जिनको हम वाइट पंपकिन कहते हैं ठीक है नॉर्मल पंपकिन हो गया और ओरिएंटल पंपकिन हो गया मतलब इनको लार्ज यानी लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं ठीक है अच्छा वैल कीपिंग क्वालिटी इज लेस इन कुकुम्बर स्नैक गॉड एंड बिटर गॉड कहने का मतलब क्या है कि कीपिंग क्वालिटी यानी जैसे हमने इनको पंपकिन को क्या किया है आराम मेलेंस वगैरह को क्या किया है हम इनको ज्यादा टाइम तक स्टोर कर पा रहे हैं लेकिन कुकुंबर हो गया स्नेक गॉड हो गया बिटर गॉड हो गया इनको हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं अब कुकुंबर क्या है खीरा हो गया नॉर्मल स्नेक गॉड किसको कहते हैं आपने देखा होगा नेनुआ जिसको हम कहते हैं ठीक है थीके? वो हमारा स्नेक गॉड होता है बिटरगॉर्ड किस को कहते हैं नॉर्मल है आपको उसके बारे में पता होगा करेला करेला को कहते हैं बिटरगॉड तो ये लोग जो है इनकी कीपिंग क्वालिटी ज़्यादा नहीं है इनको ज्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं ठीक है आई होप इतना पार्ट समझ में आएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीड्स सीड्स आर बॉर्न इन पेराइटल प्लेजेंटेशन अब ये जो है आपको मैं इमेज से समझा देता हूँ पेराइटल प्रजेंटेशन क्या होता है आ, आप ही जो इमेज देख रहे हो दैट इज कॉल्ड पेराइटल प्रजेंटेशन प्लासेंटा इज द एडिबल पोर्शन इन वाटरमेलन मतलब अगर हम वॉटरमेलन जो रेडिश पार्ट हम जो फ्लेश खाते हैं दैट इज द एडिबल प्लासेंटा पोर्शन ठीक है वाइल इन एश गॉड एश गॉड या फिर रिच गॉड में अगर हम बात करें या फिर स्मूथ गॉड में बात करें इंडो गार्ड को हम खाते हैं अब जैसे ऐश गॉड तो मैंने आपको बता दिया अब रिज गॉड किसको बोलते हैं रिज मतलब क्या हो जा आ, कहते हैं रिजिस बनाते हैं ना मिट्टी में भी तो रिज गॉड कहते हैं जैसे आप जिन, जिसको आप हिंदी में कहते हो झिंगनी या फिर तोरी कहते हो ना दैट इज कॉल्ड रिज गॉड स्मूथ गॉड भी होता है ठीक है तो इनका हम इंडो कार्प जो पोर्शन है वो यूज करते हैं एज ए फूड इन मस्क मेलन एडिबल पोर्शन इज मोस्टली पेरी कार्प पेरी कार्प मतलब आउटर कार्प कवरिंग विथ अ लिटिल मेजोकार्प मतलब हम पेरी कार्प और मेजोकार्प को खाते हैं इन केस ऑफ मस्क मेलन आई होप ये जो बेसिक पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इज द कुकर बिड्स आर मोस्टली सीड प्रोपोगेटेड मतलब अगर कुकर बिड्स के बारे में बात करें तो इनको उनका जो प्रोपोगेशन है वो हम सीड से ही करते हैं ठीक है ओके मतलब कहने का मतलब है कि इनमें सीड के अलावा कोई प्रोपोगेशन जनरली हम लोग नहीं देखते हैं या फिर कल्चरल जो लेवल पे यानी फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ सीड से करते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनमें एक, एक पाया जाता है केमिकल दैट इज कुकुरबिटेसिन ठीक है मेजॉरिटी ऑफ़ द कुकर बिट्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ बिटर प्रिंसिपल्स क्या आपने खीरा भी देखा होगा जनरली माँ भी या फिर मम्मी आपकी या फिर कोई भी घर पे अगर खीरा अगर काटता है तो वो थोड़ा सा तीखा लगता है तो घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं खीरा के का जो एंड पॉइंटेड एंड जो होता है उनको क्या करते हैं काट करके हटा देते हैं क्योंकि कुकुरबिटेसिन जो है वो टेट्रासाइक्लिक टर्पीन्स होते हैं ठीक है मेटाबोलाइट्स होते हैं मेटाबोलाइट्स मतलब जो एक रिएक्शन के प्रोडक्ट में बनते हैं ठीक है तो अगर इनका हाई कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो फ्रूट में या फिर कह सकते हैं लीव्स में या फिर उनके रूट वाले पोर्शन में ये इकट्ठे हो जाते हैं और जो बिटरनेस होता है फ्रूट में वो देते हैं ठीक है कभी कभार क्या होता है कि इनके पॉलिन ग्रेन्स भी जो होते हैं ना उनमें भी बिटरनेस चला जाता है ठीक है तो अगर हम बात करें कि कंज्यूमर जो है उनको किस तरीके का चाहिए आ, कुकुम्बर या कह सकते हैं कि, कि किस तरीके वेजिटेबल को पसंद करें जिनमें बिटरनेस कम हो ठीक है तो कंज्यूमर जनरली क्या करते हैं अब इस बिटरनेस को कंप्लीटली हटाया नहीं जा सकता है तो वो क्या करते हैं फ्रूट के टिप्स को जहां से मतलब कनेक्शन होता है प्लांट से फ्रूट का उस जगह के पोर्शन को काट के हटा है देते हैं ठीक है अगर हम इनमें बात करें सेक्स फॉर्म्स के बारे में वाइड रेंज ऑफ सेक्स फॉर्म्स लाइक मोनोसियस एंड्रो मोनोइसियस गैंड्रोमोनाइसियस एंड डाइसियस फॉर्म्स आर नोटिस इन द फैमिली ठीक है बहुत ये आ, आ, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको सेक्स फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट है ये पता होना चाहिए और ये वाला पोर्शन आप पढ़ जाओगे रीडाउट पार्ट है हारमा फ्रोडाइट फॉर्म कहने का मतलब एक ही बॉडी पे दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं ठीक है मोनाइसियस फॉर्म एंड्रोइसियस फॉर्म जो है आप इसको पढ़ जाओगे बहुत बेसिक पोर्शन है ये मुझे लगता नहीं है डिस्कस करने लायक है आप इसको पढ़ सकते हो अब नेक्स्ट इज द फ्लावरिंग ठीक है मेजोरिटी ऑफ जो कुकर बिट्स होते हैं वो फ्लॉरिंग स्टार्ट कर देते हैं थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज आफ्टर दिस सोइंग ठीक है इनमें एक डिफिनेट सीक्वेंस होता है ठीक है और अगर हम बात करें तो अल्टरनेट सीक्वेंस में मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट सेटिंग करते हैं यानी फ्रूट फ्लावर्स जो हैं अपने आप को अरेंज करते हैं अल्टरनेट ऑर्डर में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स की तरह ठीक है द फर्स्ट फोर टू सिक्स फ्लावर नोट्स बियर मेल फ्लावर्स एंड अल्टर फीमेल फ्लावर्स कहने का मतलब है जो फर्स्ट फोर टू सिक्स फ्लॉरिंग नोट्स होते हैं ना उनमें मेल फ्लावर्स एंड अल्टरनेट फ्यूल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और उसी तरीके से आपको अलग अलग वेजिटेबल में पे या फिर कह सकते हैं अलग अलग क्रॉप में बताया गया है कि किन में किस तरीके से प्रेजेंट होता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके पॉलीनीशन के बारे में तो पॉलीनीशन टेक्स प्लेस अर्ली इन द मॉर्निंग बिटवीन सिक्स टू एट एम इन कुकुम्बर पंपकिन मस्क मेलन एंड वाटर मेलन पॉलीनीशन जनरली जो है सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे होता है इनमें क्रॉस पॉलीशन सिक्स टू एट एम ठीक है जैसे कुकुम्बर में पंपकिन में मस्क मेलन में एंड वाटर मेलन में पॉलिनेशन इज एल्टर्ड इन द डे व्हेन टेम्परेचर इज हाई इन द बॉटल गॉड एंड रिच गॉड कहने का मतलब है पॉलिनेशन जो है एल्टर हो जाता है फिर डिस्टर्ब हो जाता है दिन के समय जब टेम्परेचर जा, ज्यादा होता है इन केस ऑफ बॉटल गॉड एंड द रिच गॉड ठीक है इन पंपकिन पॉलिन प्रोडक्शन इज मोर वायल इन द मस्क मेलन पॉलिन प्रोडक्शन इज कैंटी एंड पॉलिन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू ऑयली फिल्म सराउंडिंग दिम कहने का मतलब पंपकिन में पॉलिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है ठीक है इन द मस्क मिलन अगर हम बात करें तो पॉलिन प्रोडक्शन जो होता है कम होता है और इनके पॉलिन ग्रेन स्टिकी होते हैं आप देखो कम है पॉलिन ग्रेन तो ज़्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए तो इनका नेचर ही स्टिकी होता है ताकि स्टिकमा पे जाके अपने आप को अटैच कर पाएँ ठीक है एक्सटेंट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इन कुकर बेड्स सिक्सटी टू एटी परसेंट है ठीक है मैंने पहले ही बताया कि आपको इनमें जनरली क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है और ये इंटेमोफिलस होते हैं यानी जो इनमें पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है जैसे बीज एंड बम्बल बीज हो गया ठीक है मॉथ्स के भी साथ में इनका पॉलिनेशन देखा गया है मोस्टली बीज एंड बम्बल बीज जो है बिटल्स जो है इसका पॉलिनेशन करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेक्स मॉडिफिकेशन में तो मेजोरिटी ऑफ कुकर बिट्स आर मोनिशियस एंड सेक्स रेशियो अगर हम बात करें मेल टू फीमेल का रेंजेस फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी इज टू वन से लेकर पंद्रह इस टू एक का रेशियो रखा जाता है मेल इंटू फीमेल का सिर्फ स्ट्रेक, सेक्स रेशियो जो है रखा जाता है सॉरी मैं आपको रखा नहीं मैंने मेरे कहने का ये मतलब था कि जो मोनिशियस हैं इनमें फ्लावर्स अलग अलग हैं तो मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं उनका जो एक रेशियो मेंटेन होता है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव इस टू वन से लेके फिफ्टी फिफ्टीन इच टू वन का रेशियो होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स का इनके प्लांट पे सेक्स रेशियो जो मैंने आपको बताया है ये अब जो रेशियो फिक्स नहीं है क्योंकि सेक्स रेशियो जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जैसे हाई नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन दॉयल लॉन्ग डेज एंड हाई टेम्परेचर फेमर्स फेवर्स मेलनेस अगर मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन कॉन्टेंट ज्यादा है सॉइल में लॉन्ग डेज ज़्यादा हो रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये मेलनेस को प्रीफर करता है बिसाइड्स इन्वायरमेंटल फैक्टर ये जो हमने ऊपर में बताया इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं इंडोजिनस लेवल्स ऑफ द ऑक्सीजन जिब्रेलिन इथिलीन एंड एफसीसिक एसिड ऑल्सो डिमाइन सेक्स रेशियो यानी इनके जो uh, जिनको हम कहते हैं ना पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सीजन जिब्रोलिन एथिलीन एफसीसिक एसिड जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है ये भी सेक्स रेशियो को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं ठीक है एंड सीक्वेंस ऑफ द फ्लांग जो मैंने बोला था ना टॉप फोर टू सिक्स में हमारे मेल फीमेल फ्लावर अल्टरनेट पोजिशन में प्रेजेंट होते हैं तो इनको भी एल्टर uh, करते हैं यानी कह सकते हैं कि ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है तो इंडोजिनस एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन एल्टर सेक्स फॉर्म इफ अप्लाइड एट टू टू फोर लीप स्टेज कहने का मतलब है कि हम एल्टर कर सकते हैं इनके अगर हम बाहर से भी ऑक्सिन जिब्रेलिन वगैरह यूज कर रहे हैं तो इनके uh, सेक्स को हम इनके फ्लावर के यानी जो, जो फ्लावर बनने वाले हैं उनके सेक्स को भी हम आ, कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसका छिड़काव जो करना है वो टू टू फो लीब स्टेज ऑफ दी क्रॉप पे कर देना चाहिए जैसे हाई इथीन लेवल इंड्यूसर्स फीमेल सेक्स अगर हम इथिलीन अगर यूज कर देते हैं टू टू फोर लीब स्टेज पर तो फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे ठीक है उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया है इनको कुंभर बात करें तो मेलेक हाइड्राजाइड हो गया ठीक है उसी तरीके से अगर हमें फ्यल फ्लावर्स बढ़ाना है कोकुम्बर में मस्म मिलन में समस्कैश में पम्पिन में तो हम इथेलिन का यूज़ कर सकते हैं ठीक है बहुत सारी दिया हुआ है जैसे जी ए थ्री जिब्रलिन हो गया ठीक है एथेरल हो गया ये इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम फीमेल फ्लावर्स को बढ़ा सकते हैं और हम चाहते भी क्या है कि फीमेल फ्लावर्स को ही बढ़ाया जाए ताकि जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रूट में और हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट भी देंगे उस तरीके से अगर हमें मेलनेस बढ़ाना है तो हम जिब्रलिनस का यूज़ करते हैं क्योंकि जिब्रीन्स प्रमोट्स द मेलनेस ठीक है और इसके उल्टा यानी एंटागोनिस्टिक जो है इफेक्ट दिखाता है इथिलीन यानी इथिलीन डालेंगे मैंने ऊपर ही बताया इथिलीन डालने से फीमेलनेस यानी फीमेल फ्लावर्स ज्यादा बनते हैं और जिब्रलिन अगर हम डालते हैं तो मेल फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा बनते हैं प्लांट के ऊपर में लेकिन इंपॉर्टेंट एज हमें इनको यूज़ करना चाहिए टू टू फोर लीब स्टेज ऑफ द प्लांट पे ठीक है तो जैसे एंटागोनिस्टिक क्या हो गया जैसे इथिलीन एंड आपको दोनों याद रखना होगा चिप जो है वो प्रमोट करता है मेलनेस को और अगर हम बात करें इथलिन एंड जो है वो प्रमोट करता है आपके आ, फीमेल फ्लावर्स को ठीक है जैसे आपको एग्जांपल में एक दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, अगर हमने 300, 400 अगर किया है आल्सो इंड्यूसेस मेलनेस मतलब अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट कर दिया इस कंसंट्रेशन में तो वो भी मेलनेस को इंट्रोड्यूस कर देता है यानी ज़्यादा मेल फ्लावर्स बनने लग जाते हैं सो गाइज़ आई होप आज का लेक्चर जो है बहुत ही छोटा था और बहुत ही बेसिक लेक्चर है जो मैंने आपको समझाने की को कोशिश करी है आई होप आपको यह समझ में आया होगा और अगर कुछ भी आपको दिक्कत है या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में इवन आप मुझे इंस्टाग्राम से या फिर आप हमारे गो फॉर एग्रीकल्चर के चैनल पर भी आके कर इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं वहाँ पर मैं आपको आंसर करूँगा साथ साथ इस लेक्चर की पी डी एफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर ज्वाइन कीजिए हमने अपना सेकेंड चैनल बनाया है दैट इज़ गो फॉर एग्रीकल्चर शॉर्ट्स जहाँ पर हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं हैं या फिर जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो एक वीक पहले आपको हमारे नए वाले चैनल पर मिलेगी सो तो आप इन वीडियोस को पहले आप वहां देख सकते हैं आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए इन सारी चीजों का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो गाइज आई होप ये लेक्चर क्लियर है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द